इस साल के गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तो वहीं छत्तीसगढ़ में ध्वजारोहण के दौरान का एक ऐसा मामला सामने आया है जो सीधे सीधे छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की मानसिकता पर सवाल खड़े कर रहा है और जिसने लोकतंत्र में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल ये बात तो हर किसी को पता होगी कि गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस, इन दोनों मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान के साथ फहराया जाता है और फिर राष्ट्रीय गान गाया जाता है। मगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन सब बातों को दरकिनार करके रायपुर के पार्टी मुख्यालय में अलग तरीके से झंडारोहण किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सीएम बघेल पार्टी के मुख्यालय में झंडा फहराने के लिए रस्सी को खींचते हैं, मगर जैसे ही आपकी नजर झंडे की ओर जाएगी तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल ये राष्ट्रीय ध्वज नहीं है बल्कि ये राजनीतिक पार्टी का एक झंडा है। ये वो झंडा है जिसे कांग्रेस ने 1947 से पहले, यानी जब हमारा देश गुलाम था, उस समय इस झंडे को फहराया था। बताते कि आजादी के समय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1931 में कराची अधिवेशन में ये झंडा अपनाया था और इसे पिंगली वकैया ने ही डिजाइन किया था। इस तिरंगे झंडे में सफेद पट्टी के बीच में चरखा था और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें सफेद पट्टी के बीच में अशोक चक्र है। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और वो इस समय एक संवैधानिक पद पर आसीन हैं, मगर फिर भी इस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराने की बजाय एक राजनीतिक पार्टी का ध्वज फहराकर देश और राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान किया। हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि सीएम बघेल को गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए पुलिस परेड मैदान में जाना था, मगर वो पहले वहां न जाकर के कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर झंडा फहराने पहुंचे। सीएम बघेल की सोच पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम तरह खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीक न्यूज। शुक्रिया।